वेलकम टू अमृता अमृता ऑफिशियल और मैं हूँ अमृता। लास्ट टाइम मैंने आपको मेरा नोज पिन कलेक्शन दिखाया था और कुछ लुक्स नोज पिन के रिलेटेड आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं वो बताए थे। उसमें मुझे थोड़े से क्वेरीज आए थे कि नोज पिन आपने दिखाया बट वो अगर स्क्रू वाले नोज पिन से तो हम किस तरह से उनको पहन सकते हैं, तो क्या इजी ट्रिक है जिससे आप नोज पिन स्क्रू वाले नोज जनरली आप स्क्रू वाले जो नोज पिन से थोड़े दिन ना पहने, आपका जो नोज का पियर्सिंग है उसको प्रॉपरली सेट होने दीजिए, जिसको जनरली 6 मंथ्स लगते हैं, तब तक आप वायर्ड नोज पिन वायर वाला, ये गोल्ड का है नोज पिन और इसमें इस तरह का वायर लगा आप देख पा रहे हो, तो पहले तो थोड़े दिन आप इसी को पहने और ये इसे किस तरह से पहनते हैं मैं दिखाती हूँ। जनरली ऐसे कॉइल होता है किया हुआ, तो इसको हल्के से आप खोल दीजिए ताकि आपको एक हुक का शेप हो जाए, यानी आपको एक इस तरह का हुक मिलेगा इस तरह, और ऐसे छोटा सा एक डंडा और एक जो भी आपका डिजाइन है राइट। तो अब आप जो आपके पियर्सिंग है इसमें इसको इंसर्ट करेंगे और बहुत ही हल्के हाथ से इसको जस्ट कीप टर्निंग, लाइक आप जैसे तो स्प्रिंग को किस तरह से करेंगे टर्न, उस तरह से आपको इसको स्प्रिंग करना है। और जब ये आपको लगता है कि अंदर सेट हो गया इस तरह से, तो अंदर जो कॉइल पोर्शन है उसको हमें प्रेस करना है। इस तरह से तो जब मैंने ये अंदर से कॉइल जैसे जो सर्कुलर पोर्शन था उसको हल्का सा प्रेस किया है, तो ये रिंग जो है वो प्रॉपरली सेट हो गई है। तो इस तरह की जो वायर्ड नोज पिन है आप उसे पहन लें, जब आपका जो पियर्सिंग है वो सेट हो जाता है तो आप फिर अलग अलग नोज पिन को ट्राई कर सकते हैं। तो ये है हमारा लुक वन। तो ये मूनस्टोन वाली जो सेप्टम रिंग है उसको मैं यहाँ पे सेट करूंगी, इसको थोड़ा ओपन कर लेंगे और इसे इस तरह से इंसर्ट करना है राइट, और फिर हमें इसे हल्का सा प्रेस करना है। एक्चुअली ये वीडियो में दिखाना थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है बट ठीक है, अगर ये ट्यूटोरियल में ये एक रिंग मेरी रेडी है। सो 6 महीने के बाद जब आपका नोज का जो पियर्सिंग है वो थोड़ा सेट हो जाता है, तब उसके बाद आप स्क्रू वाले जो नोज पिन है उस पर ट्रांजिशन कर सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने इस तरह का लुक दिखाया था जिसमें मैंने स्क्रू वाला जो नोज पिन होता है उसे यूज़ किया था, तो उसके रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन मुझे इन्फॉर्मेशन पूछी गई थी किस तरह से हमें उसे सेट करना है ईजी वे में, तो मैं आपको अभी वो करके बताऊंगी। और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है किस तरह के लुक्स मैंने क्रिएट किए थे, तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं कहीं डिस्क्रिप्शन में या और यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे दे दूंगी, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो और उस वीडियो को और उन लुक्स को भी देख सकते हो। सो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ये एक नोज पिन है, एक फिश शेप की नोज पिन है ये स्टोन्स वाली, और इसका जो स्क्रू है वो काफी पतला है। सो पहले आप स्क्रू जो होते हैं वो भी आप उसी तरह हमें करना है, पतला स्क्रू लेना है और वो सेट होने के बाद ही आप थोड़े जो थिक स्क्रूज होते हैं उनको यूज कर सकते हो। तो इसका तरीका क्या है, तरीका इस तरह का है कि हम जनरली क्या करते हैं इस तरह के नोज पिन पहले अंदर डालेंगे और फिर पीछे से स्क्रू लगाने की कोशिश करते हैं राइट, तो वैसा ना करके देती हूँ, आप देख सकते हो ये स्टोन का है और फिश शेप में है, ये बहुत ही क्यूट है। अब मुझे क्या करना है, ये नोज नॉस्ट्रिल को इस तरह मोड़ना है और जब आप ये हल्का से इस पे दबाव देते हो ना, तो आपको यहाँ पे उसका जो डंडे का जो एंड पार्ट है वो यहाँ आपको हाथ में ऐसे लगेगा नोज में। आई नो ये थोड़ा बहुत ऑकवर्ड लगेगा स्क्रीन पे बट अभी ऐसा ही है, इस तरह से आपको डालनी है रिंग, तो आपको ये हल्का सा प्रेस करना है और ये जो जस्ट अंदाजे से आपको इस नोज पिन का ये जो रॉड है उसको टिप को, मोस्ट ऑफ द टाइम इशू ये होता है कि जब हम ये नोज रिंग डाल रहे होते हैं तो ब्रीदिंग हम रोक देते हैं, तो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप माउथ से ब्रीथ कर सकते हो उस टाइम पे। सो इसको अभी हम इस तरह से डालेंगे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने नोज पिन को उसमें अटैच कर दिया है। अब मैं इसको धीरे धीरे, और अब मैं जब हमें लगता है
कि ये सिक्योर हो गया तब हमें क्या करना है, वो अंदर से घुमाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं क्या करूँगी, थंब से जो स्क्रू होगा आउटर साइड उसको इस तरह से सपोर्ट लेके प्रेस कर लूंगी। और हमें क्या करना है, ये वाली साइड है ना, इसको टर्न करना है उल्टा, हमें अंदर से टर्न नहीं करना, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक बार वो स्क्रू उसमें से हमने अंदर लगा दिया, उसके बाद इसको ऐसे सपोर्ट देंगे और इसको घुमाएंगे ऊपर की साइड। इस तरह से आप आपका जो स्क्रू वाला नोज पिन है उसको डाल सकते हैं। और बस ये बहुत ही इजी तरीका है, इससे ज्यादा दर्द भी नहीं होगा आपको और बहुत ही अच्छी तरह से ये फिट भी हो जाएगी। आई होप आज का आपको ये ट्यूटोरियल जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। Thank you for watching Amruta Amruta Official. I'll see you next time. Bye.